हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो आईबीपीएस 2016 मेंस में पूछा गया था उसके लिए जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उस क्वेश्चन को अपन देखेंगे आज के क्लास में तो आज के क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर यह है कि जो क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ उस क्वेश्चन को मैंने खुद से बनाया है खुद से बनाने के पीछे रीजन ए था कि इस तरह के क्वेश्चन जो पीओ में पूछे गए थे इस तरह के क्वेश्चन ना तो मुझे नेट पे मिला इंटरनेट पे और ना ही किसी बुक्स में मिले इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने खुद से कुछ लॉजिक कर लगा के क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश की है तो मैंने अपने तरफ से तो हंड्रेड परसेंट कोशिश करी है कि इसमें कुछ एरर ना हो यदि फिर भी आपको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि कुछ एरर है कहीं पे इस वीडियो में या जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो सारे के सारे सेंटेंस के लिए सारे के सारे वर्ड्स के लिए यूनिवर्सली जो है वो सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको बता सकते हैं बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि इसमें कुछ भी एरर ना हो जो एक्चुअल लॉजिक है वो लॉजिक सही से फॉलो हो तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है तो चलिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओके शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट इसका कोड कुछ दिया गया है एट जेड फाइव फाइव एच थ्री वन वी सेवन नाइन जी थ्री ड्रिंक फ्रूट जूस का दिया गया है एटीन पी फोर एटीन जी फोर ट्वेंटी वन वी फोर लाइट इज अब यहाँ पे एक मत ध्यान रखिएगा कि ईज का स्पेलिंग यहाँ पे इंग्लिश का जो है केयर मत कीजिएगा कि ईज का स्पेलिंग तो आई एस होता है या आई आई एस क्यों लिया गया है इसलिए लिया गया है ताकि जो लॉजिक लगाकर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है तो वहां पे डबल आई की जरूरत से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है तो इसको कंसीडर कीजिए आई आई एस यहाँ पे जस्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जा रहा है लॉजिकल थिंकिंग चेक किया जा रहा है ना कि आपकी जो है अंग्रेजी को चेक किया जा रहा है ठीक है तो ये वाला है लाइट इज डबल आई एस ब्राइट इसका दिया हुआ है कोड क्या है 9g4 9h2 और 18g 5 दिया गया है तो इस चीज को आप इतना चीज आपको दिया गया है अब आपको जो है क्या है इसमें क्या देखना है कि पहले जो नॉर्मल वाला जो हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग आता था उसमें क्या आता था कि इधर कुछ टर्म्स कॉमन रहते थे इधर कॉमन टर्म्स रहते थे तीनों इक्वेशन में या दो इक्वेशन में एटलीस्ट वहां से हम लोग क्या करते थे कैंसिल आउट कुछ को करते थे मतलब कि जो कॉमन यहाँ है वही वाला कॉमन यदि यदि इसको इक्वेशन ले लेते ले हैं वन इसको इक्वेशन टू और इसको इक्वेशन थ्री ले लेते हैं तो तीनों इक्वेशन में या दो इक्वेशन में कुछ टर्म्स या कुछ वर्ड्स कॉमन रहते थे उस जो कॉमन वर्ड्स के लिए जो कॉमन कोड दिया गया रहता था वैसे हम लोग ले लेते ले थे, थे बट ये थोड़ा सा लिंक से हटके है मतलब कि यहां देखिए सरमा गेट्स मैरिज गिफ्ट ड्रिंक फ्रूट फूर, जूस लाइट इज इस ब्राइट इसमें एक भी वर्ड आपको मैच नहीं कर रहा है इसलिए यदि एक भी वर्ड आपको मैच नहीं कर, कर, कर रहा है सिमिलरली राइट साइड में एक भी कोड आपका ओवरऑल पूरा का पूरा मैच नहीं करेगा तो इससे आपको क्या पता चलता है इससे आपको यही पता चलता है कि जितने भी टर्म दिए गए हैं उसका क्या है इंडिपेंडेंट कोड दिया गया है मतलब कि हर एक टर्म का अपना अपना कोड तो पहले भी रहता था और यहां भी है यहाँ कोई भी आपस में इंटर डिपेंडेंट नहीं है सब आपस में इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए क्या है आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा तो सबसे पहला लॉजिक तो मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में टोटल कितने वर्ड्स 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 है 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 चार में में तीन और में तीन और थर्ड जो तो आपको मैं आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब से छोटा से छोटा वाले से आप शुरू करें ताकि जो क्या पैटर्न फॉलो किया गया है उस पैटर्न को आप यहां से क्रैक कर सके ठीक है दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप जब गौर से देखेंगे कोडिंग में राइट right साइड वाले कोडिंग में तो यहां देखिए यहां 5 है, यहां यहां है 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 फिर और कहीं किसी जगह पे 5 है, यहां भी 5 है। तो कुछ ना कुछ ना इसमें रिलेशन तो जरूर होगा सिमिलरली यदि आप देखेंगे तो यहां नाइन है यहां नाइन है यहां नाइन है इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है आपको रिलेशन बन ही जाएगा तभी दिया गया है यहाँ एटीन है यहां एटीन है और यहां एटीन है तो ये भी आपके लिए एक सुविधा का चीज बनाया गया है तो चलिए हम इक्वेशन थर्ड जो कि तीन टर्म्स है और इक्वेशन दो में भी तीन टर्म्स है किसी एक को लेकर के आप शुरू कर सकते हैं तो हम लोगों ने क्या थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो थर्ड क्या दिया गया है थर्ड दिया गया है लाइट इज इज का स्पेलिंग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डबल आई एस है और लाइट इज ब्राइट इसका कोड क्या दिया गया है नाइन जी फोर कॉमा नाइन एच टू जी फाइव ए वाला कोड आपको दिया गया है जिसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा ध्यान से ये एक्चुअली तीन तरह के चीज दिया गया है तीन तरह का चीज क्या दिया गया है एक तो बीच में आपको लेटर दिया गया है ऊपर साइड में क्या है एक नंबर को दिया गया है फिर लेफ्ट साइड में यहाँ क्या है एक नंबर को दिया गया है तो हम लोग एक एक करके ना इस चीज को पहले एक नंबर को फिर दूसरे नंबर को फिर लेटर को ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका जो पैटर्न है वो आपको क्रैक हो जाए तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस वाले चीज पे कि क्या दिया हुआ है तो लाइट इज ब्राइट में हम लोग देखते हैं यहां पे एक चीज क्या आ रहा है nine और और कॉमन कॉमन आ आ रहा है। nine और nine आ रहा है है एक में जी और जी भी कॉमन आ रहा है बट नाइन वाला जो है एच के साथ कॉमन है और जी जो है उसमें एक में नाइन है एक में एटीन है तो यहां कॉमन नहीं है तो कुछ दो वर्ड्स को लेके कुछ कॉमन आ रहा है क्या अब कुछ कॉमन लिखने के लिए और राइट साइड में क्या दिया हुआ है फोर टू फाइव लेफ्ट में नाइन नाइन एटीन तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या कॉमन सेंस से वैसे मैं आपको बता दू क्वेश्चन को मेरा एक्सप्लेनेशन जानने से पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार या दो बार आ, या हो सके तो तीन बार जरूर ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज कर दीजिए आप खुद से ट्राई कीजिए फिर मेरा जो सॉल्यूशन वो देखें क्योंकि तो एग्जाम में यही क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन यदि आएंगे तो नए क्वेश्चन आएंगे और वहां पर जरूरी नहीं है कि जो लॉजिक का क्वेश्चन यहां है वही वाला लॉजिक एग्जाम में भी आएंगे तो जो आपका अपना लॉजिक है आप क्या सोचते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट है मैं क्या सोचता हूं वो आपको एग्जाम में कोई हेल्प करने वाला नहीं है एक्चुअली राइटली यदि कहा जाए तो इस तरह के तो बट यहां कोई ट्रिक नहीं है यहां पे मतलब पूरा का पूरा आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वही आपको यहां पे काम आएगा तो पहले आप खुद से ट्राई करें यदि ना हो रहा हो आपसे तब मेरा सोल्यूशन को आप देखें तो चलिए मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूं तो राइट साइड लेफ्ट के लिए नाइन नाइन एटीन नाइन नाइन एटीन से कुछ क्रैक हो रहा है क्या फर्स्ट फर्स्ट नजर में तो नहीं लग रहा है चलिए राइट साइड वाला नंबर को देखते हैं फोर टू फाइव सॉरी इट्स फोर टू फाइव राइट साइड का नंबर है राइट right साइड के नंबर के लिए कुछ क्रैक हो रहा है क्या यदि इसमें देखते हैं लाइट के लिए ई e रहता या डी रहता तो अपन ये कर सकते थे कि चलिए फोर डी का एक वेलेंट प्लेस वैल्यू दिया गया है ऐसा भी कुछ नहीं है अच्छा एक पैटर्न हम दिख रहा है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है फाइव यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है थ्री यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है थ्री थ्री सिक्स और आपको राइट right साइड वाला नंबर कितना दिया हुआ है फोर टू फाइव अब एक पैटर्न तो लग रहा है क्या लग रहा है कि देखिए फाइव में से वन माइनस कीजिए थ्री में से वन माइनस कीजिए सिक्स में से वन माइनस कीजिए तो फाइव माइनस वन फोर आ गया थ्री माइनस वन टू आ गया सिक्स माइनस वन टू आ गया तो एक तो लग रहा है कि एक क्रैक हो गया राइट साइड का नंबर बट एक ही इक्वेशन को देख के आप क्रैक नहीं कर सकते जैसे ये थर्ड वाला इक्वेशन में था सेकेंड वाले इक्वेशन को भी चेक करते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन में कितना ड्रिंक में कितने वर्ड्स है टोटल फाइव वर्ड्स है फिर फ्रूट में कितने वर्ड्स है टोटल फाइव वर्ड्स है फिर जूस में कितने वर्ड्स है फाइव वर्ड्स है अब देखिए राइट साइड वाले नंबर में क्या फोर 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 अब देखिए तीनों में से यदि माइनस वन करेंगे आप क्या आ रहा है फोर 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 मतलब कि ए वाला कोड तो लग रहा है क्रैक हो गया है मतलब कि जो राइट right साइड के नंबर में कोड के राइट right साइड में जो नंबर दिया गया है वो वाला तो क्रैक लग रहा है कि हो गया है चलिए एक बार जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में शर्मा में कितने टर्म्स है सिक्स है फिर गेट्स में कितने टर्म्स है फोर है मैरिज में कितना है टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है सिमिलरली गिफ्ट में कितने टर्म्स है फोर है अब राइट right साइड में आपको क्या दिया हुआ five, three, seven, three. अब देखिए करेंगे तो कितना आएगा फाइव फोर माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा थ्री कॉमा एट में से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा सेवन कॉमा फोर में से वन करेंगे तो थ्री आएगा अब देखिए फाइव थ्री सेवन थ्री यहाँ क्या है फाइव थ्री सेवन थ्री मतलब कि राइट साइड लेटर के जो राइट right साइड वाला नंबर दिया गया है यहां पे जो लेटर दिया गया है इसके राइट right में जो नंबर दिया गया है वो नंबर को तो आपने क्रैक कर लिया वो नंबर क्या है वो नंबर आपको क्या दिया गया है नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स इन ए वर्ड माइनस वन ये क्या आया है राइट right साइड का नंबर नंबर ऑफ टर्म्स इन ए वर्ड माइनस वन तो राइट साइड वाला कोड तो क्रैक हो गया अब आगे हम लोग का मेन फोकस क्या होगा लेटर का और लेफ्ट साइड के नंबर को क्रैक करने का तो चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं हम लोग तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि राइट साइड वाला नंबर तो क्रैक हो गया राइट साइड वाला नंबर क्या है नंबर ऑफ लेटर्स माइनस वन अब हम लोग देखते हैं फिर से दूसरा या इधर लेटर का या लेफ्ट साइड के नंबर को क्रैक करने का तो फिर से थर्ड इक्वेशन पे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो लाइट क्या दिया हुआ है लाइट इज ब्राइट लाइट इज ब्राइट दिया है इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इसका कोड क्या दिया हुआ है 9G4, 9H2, ये दिया हुआ है तो आपको मैं एक चीज बता दू कोडिंग डिकोडिंग में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो हर एक लेटर का क्या कीजिए आप उसका अल्फाबेटिकली जो नंबर किस नंबर पे आता है उसको लिख दीजिए तो चलिए एल को लिखेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व आई का कितना आएगा नाइन जी का कितना आएगा सेवन एच का कितना आएगा एट टी का कितना आएगा ट्वेंटी फिर आई का नाइन आई का नाइन एस का नाइनटीन आ जाएगा बी का दो आर का एटीन आई का नाइन जी का सेवन एच का एट टी का ट्वेंटी आएगा तो इतना तक तो हमको समझ में आ गया अब देखिए लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड का तो हो गया है करेक्ट तो लेफ्ट साइड के नंबर पे हम लोगों को कंसंट्रेट करना है तो यहाँ नाइन नाइन और एटीन दिया है क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें नाइन नाइन एटीन में से नाइन कॉमन तो मिल रहा है फिर नाइन नाइन एटीन में से यहाँ भी नाइन दो नाइन कॉमन आ रहा है फिर इसमें नाइन यहाँ है और एटीन यहां है तो ये चीज कॉमन आ रहा है अब कुछ पैटर्न लगाने की कोशिश कीजिए जैसे देखिए फर्स्ट वाले में आपको एक ही चीज मिला है एक ही चीज क्या मिला है सेकेंड लेटर का फर्स्ट वाले में आपको एक ही चीज क्योंकि आपको नाइन नाइन एटीन मतलब कि ओवरऑल कितने नंबर्स दिया गया है नाइन और एटीन दिया गया है तो आपको क्या करना है नाइन और एटीन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है बट फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है उसमें हमको क्या लग रहा है कि सेकेंड लेटर का जो क्योंकि इसमें एटीन मिसिंग है तो सेकेंड लेटर का नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कर अभी जस्ट हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये हम लोगों का फाइनल नहीं है तो सेकेंड लेटर का नाइन है यहां भी देखिए सेकेंड लेटर नाइन है यहां सेकेंड लेटर क्या है एटीन इसका मतलब कि लेफ्ट साइड जो दिया गया है वो लेफ्ट साइड क्या है एक इक्वेशन में तो क्रैक हुआ लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो क्या है लेफ्ट साइड वाला नंबर आया सेकेंड जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू आया सेकेंड लेटर का क्या आया प्लेस वैल्यू लेकिन ये तो अभी आप इक्वेशन थर्ड में ही देखे थ्री टू इसको इसको और इसको वन इक्वेशन लेते हैं तो तो so अब टू में भी वेरीफाई करते हैं इक्वेशन टू को वेरीफाई करें तो सेकंड है आर है फिर दूसरे का सेकेंड नंबर क्या है आर है तीसरे का सेकेंड नंबर क्या है यू और इसका इक्वेलन जो प्लेस वैल्यू है आर का कितना होता है एटीन यहां आर का एटीन और यू का कितना होता है ट्वेंटी अब देखिए एटीन 1821 ये भी क्रैक हो गया मतलब अब आप 99% परसेंट श्योर है कि यही लॉजिक होगा फिर भी एक मिनट के लिए आप फर्स्ट को भी चेक कर लीजिए फर्स्ट का क्या है सेकेंड डिजिट एच ई एच ई एच का कितना होता है कोड आठ होता है आई ई e का कितना होता है फाइव होता है ए का कितना होता है वन और आई का नाइन मतलब कि एट फाइव वन नाइन अब चेक कीजिए एट फाइव एट फाइव आपको आ गया यहां पे सॉरी तो यहां पे आपको क्या आया एट यहां पे फाइव है यहां पे वन है यहां पे नाइन है मतलब कि एट फाइव वन नाइन ये भी क्रैक हो गया मतलब कि जो लेफ्ट साइड वाला नंबर फाइनली हम लोग क्या वेरीफाई किए लेफ्ट नंबर क्या है आपको सेकेंड जो लेटर है सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू है सेकेंड लेटर का जो अल्फाबेटिकली यदि देखा जाए वन टू थ्री से लिखा जाए तो इसका प्लेस वैल्यू है तो चलिए लेफ्ट साइड और राइट right साइड का कोड तो हम लोग क्रैक कर लीजिए अब हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए जो बीच का लेटर दिया गया है उस पे तो चलिए उसपे भी हम लोग कुछ वर्क करते हैं कि कैसे वो क्रैक हो तो चलिए सोफार so हम लोग क्या करती है दो चीजों का जो कोड है वो क्रैक कर लिया एक तो राइट right साइड वाला कोड और एक लेफ्ट साइड वाला अब हम लोग का क्या बचता है बीच का जो लेटर है उसके बारे में आपको सोचना है तो उसके लिए फिर से एक थर्ड इक्वेशन पे फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ है लाइट इज ब्राइट लाइट इज ब्राइट दिया हुआ है इसका कोड आपको क्या दिया हुआ है नाइन 9 तो हम जी फोर नाइन और फोर तो क्रैक कर चुके हैं नाइन एच टू नाइन और टू क्रैक हो चुका है एटीन जी फाइव एटीन और फाइव यहाँ पे क्रैक हो चुका है तो अभी हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए जस्ट अल्फाबेट पे होना चाहिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जी एच जी कहां से आ रहा है जी एच जी कहां से आ रहा है मतलब कि दो चीजों में अब आपको ए तो पता है कि जो शुरू वाला क्योंकि दोनों नंबर से ए पता हो गया जो शुरू का जो वर्ड है उसका कोड शुरू में दिया गया है बीच वाले का कोड बीच में दिया गया है और लास्ट वाले का कोड लास्ट में दिया गया है इतना तो हम लोग को अभी तक पता चल चुका है अब देखिए नाइन और नाइन फर्स्ट टू में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जी और एच अभी हम लोग को मेन फोकस क्या है बीच वाले लेटर पे तो फर्स्ट टू में जी और एच में कुछ कॉमन नहीं है थर्ड पे देखते हैं जी और जी मतलब कि फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड में आपको ऐसा कुछ देखना है कि कॉमन हो क्योंकि कोड में क्या हो रहा है कोडिंग में देखिए आपको फर्स्ट और थर्ड में जी कॉमन है तो फर्स्ट और थर्ड पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या कुछ कॉमन है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं फर्स्ट और थर्ड में एक तो आई कॉमन है आई यहां पे भी है और आई यहां पर भी है दूसरा क्या कॉमन है एच टी कॉमन है मतलब कि एच भी कॉमन है और टी भी कॉमन है इतना चीज तो तो देखते हैं यदि पे करें, तो I पे करें देखिए सेकेंड लेटर यहाँ पे सेकेंड लेटर पे हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशन कर चुके हैं कि कब किए थे जब हम लोगों को लेफ्ट साइड का नंबर निकालना है तो इस वाले सेकेंड इस आई को कॉमन हम लोग यहाँ पे नहीं लेते अब बात बच गई एच और टी की और एच और टी की बात यदि बचती है तो एच और टी में कुछ गौर से देखिए कुछ कुछ आ रहा है क्या एच का यदि प्लेस वैल्यू पे हम लोग ध्यान दें तो 8 होता है टी का प्लेस वैल्यू पे ध्यान दें तो कितना होता है 20 ये चीज हो गया फिर यहां भी एज का सॉरी एज का कितना होता है 8 होता है एज का 8 और T का 20 मतलब 8 और 20 से G का कोई रिलेशन आ रहा है क्या 8 से यदि -1 करेंगे यदि 8 से -1 करेंगे तो 7 आएगा तो यहां कह सकते हैं कि जी आ सकता है तो इस दोनों में क्या है सेकेंड लास्ट लेटर लास्ट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें से माइनस वन करने पे हम लोग को बीच का लेटर आ रहा है तो यदि सिमिलरली यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं तो सेकेंड लास्ट लेटर क्या है आई आई का प्लेस वैल्यू नाइन नाइन माइनस वन कितना होगा एट मतलब कि एट का इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए आपको h आना चाहिए तो यहाँ पे h आ रहा है तो अभी तक फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों क्या क्रैक कर लिए जो लेटर है जो लेटर क्या है सेकंड लास्ट लेटर का सेकंड लास्ट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें से हम लोग एक घटाए हैं तब वो आया है तो चलिए क्या ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट में भी सेटिस्फाई कर रहा है तो देखिए सेकंड लास्ट लेटर क्या है n है तो वैल्यू क्या होता है 14. 14 में से हम लोग फोर्टीन माइनस वन करेंगे तो कितना 13. तो 13 पता है, कि ए है तो यहां भी फर्स्ट होना चाहिए बट यहां देखिए एम नहीं है इसका मतलब कि ए वाला जो हम लोग क्रैक किए है ये गलत हो गया ए वाला जो हम लोग क्रैक किए थे वो गलत हो गया क्योंकि बाकी के इक्वेशन फॉलो नहीं करें देखिए लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है उसमें तो फॉलो कर रहा है बट इसका मतलब नहीं है कि एक में फॉलो हो गया तो सारे में नहीं भी फॉलो हो तो चलेगा जो रूल है उसका कहने का क्या मतलब कि यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए जो भी दिया गया है उस सारे के लिए आपको ट्रू होने चाहिए बट यहाँ पे जो ए वाला कॉन्सेप्ट हम लोग निकाले हैं ए वाला जो मेथड क्रैक किया है वो मेथड हम लोगों का फाइनली गलत हो गया तो चलिए कुछ दूसरे वाले मेथड पे चलते हैं कि क्या दूसरा मेथड कुछ भी यहाँ पे और अप्लाई हो सकता है क्या तो उसको देखते हैं तो अब देखिए एच जो है एच भी हम लोग का काम नहीं कर रहा है एच भी काम नहीं कर रहा है तो बच क्या गया हम लोग के पास बच तो गया केवल एक क्या बच गया अब टी बच गया अब देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है ट्वेंटी और ट्वेंटी और सेवन में कोई रिलेशन है क्या ट्वेंटी और सेवन में क्योंकि जी का वैल्यू क्या होता है सेवन यहाँ भी सेवन तो ट्वेंटी और सेवन में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या तो यदि आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको झट से दिमाग में आ जाएगा कि इज ए रिलेशन बिटवीन ट्वेंटी एंड सेवन क्या रिलेशन है एक वर्ड होता है एक चीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एक चीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको बोलते हैं जो दो टर्म्स है उसके प्लेस वैल्यू का जो सम है प्लेस वैल्यू का सम कितना आना चाहिए ट्वेंटी सेवन आना चाहिए ट्वेंटी सेवन आने का क्या मतलब कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ए और जेड आपस में होंगे बी और वाई होगा सिमिलरली आई के लिए लिया जाए तो आई का कितना होता है नाइन तो इसके लिए क्या हो जाएगा एटीन एटीन का क्या होता है आर आई और आर आपस में एटीन किसका होता है आई नाइन होता है एटीन आर का होता है तो एटीन मतलब आई और आर आपस में क्या होंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे जी का ले लिया जाए जी का कितना होता है जी का सेवन होता है तो ट्वेंटी सेवन सम होने के लिए इसको ट्वेंटी होना चाहिए ट्वेंटी किसके इक्विवेलेंट होता है टी के इक्विवेलेंट होता है मतलब जी और टी आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो मिल गया अब देखते हैं हम लोग एस पे एस पे ध्यान देते हैं तो एस का कितना होता है एस का नाइनटीन होता है मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो नंबर आएगा क्या आएगा एट एट किसका होता है एच का एट किसका होता है आपको एच का मतलब कि यहाँ आई के लिए भी सेटिस्फाई कर गया अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे इक्वेशन को चेक करते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या ये वाला चीज फॉलो कर रहा है या नहीं तो क्या किया हम लोग लास्ट वर्ड को देखे हैं लास्ट वर्ड को ही देखे हैं तो लास्ट वर्ड देखिए तो यहाँ के है लास्ट वर्ड क्या है के इलेवन तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन किसका होता है पी का तो चलिए पी यहां है सिमिलरली टी टी के लिए तो हम लोग देख चुके हैं कि जी आता है ई e का प्लेस वैल्यू फाइव फाइव का ट्वेंटी टू होगा ट्वेंटी टू किसका चेक कर लेते हैं A, A का क्या होता है जेड सिमिलरली एस एस का हम लोग देख चुके हैं एस का क्या होता है आपको एच होता है ई e, e के भी ई e का भी हम लोग देख चुके हैं वी होता है और टी का भी देख चुके हैं हम लोग जी होता है मतलब कि यहाँ पे हम लोग को लेटर के लिए क्या क्रैक हुआ लास्ट लेटर का जो है लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड का क्या लेना है हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेना है लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड का क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेना है तो यहां हम लोग का लॉजिक क्या हुआ फर्स्ट राइट साइड वाला का लॉजिक क्या हुआ नंबर ऑफ लेटर्स माइनस वन लेफ्ट साइड वाला का लॉजिक क्या हुआ सेकेंड लेटर का जो दिया गया है उसका प्लेस वैल्यू और जो लेटर बीच वाला है उसका हम लोग क्या पैटर्न क्रैक किए पैटर्न ये किए कि जो लास्ट लेटर है लास्ट लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम लोग को लेना है लास्ट लेटर का क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री लेटर है उसको लेना है तो ये चीज तो क्रैक अभी तक हम लोग कर लिए तो तीन चीज क्या क्या क्रैक किए उसको हम लोग फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि तीन तीनों चीज को हम लोगों ने कैसे पैटर्न में लाया है तो चलिए यहां पे हम लोग तीनों का तीनों पैटर्न क्या देख लिए तीन पैटर्न क्या है राइट right साइड का नंबर क्या है नंबर ऑफ लेटर्स माइनस वन लेफ्ट साइड का नंबर क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड लेटर जो बीच का लेटर है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री लेटर ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड मतलब कि जो तीन चीज थ्री चीजें जो हम लोग को रिक्वायर्ड था वो तीनों का हम लोग क्या किए पैटर्न को क्या किए पैटर्न को हम लोग क्रैक कर लिए अब देखिए एक बार यदि क्रैक हो गया तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत ही इजी हो जाएगा तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा और टाइम लगता तो मैंने जस्ट क्वेश्चन को लिया है और उसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे तो चलिए लेते हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन को एक एक करके और देखते पहला क्या है तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया व्हाट इज द कोड फॉर फ्रूट मतलब कि फ्रूट का आपसे कोड पूछा गया है अब देखिए क्या दिया हुआ है फ्रूट फ्रूट का आपसे क्या पूछा गया है पूछा गया है, तो फ्रूट का यदि कोड पूछा गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करना है बीज का लेटर क्या होगा बीज का लेटर जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा लास्ट लेटर का इसको एक बार और सही से लिख देते हैं एफ यू आर आई टी अब देखिए लास्ट लेटर क्या है टी है जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पे 20 का कॉम्प्लीमेंट्री पे मतलब 27 सम आना चाहिए तो 7 इसका मतलब कि जी आना चाहिए तो फ्रूट के लिए ये चीज तो हो गया कि जो कोड का बीज का लेटर है वो क्या है जी है अब राइट right साइड में क्या करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स माइनस वन फ्रूट में कितने लेटर्स है 5 5 1 कितना हो जाएगा 4 राइट right साइड वाला नंबर हो गया लेफ्ट साइड का नंबर क्या करते हैं जो सेकेंड लेटर है उसका प्लेस वैल्यू तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है एटीन मतलब कि फ्रूट का जो कोड होगा वो कोड क्या होगा एटीन जी फोर बहुत इजी है अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बोला गया है व्हाट इज द कोड फॉर शर्मा अब देखिए ए है लास्ट टर्म ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा जेड टोटल नंबर ऑफ टर्म शर्मा में कितने हैं वन फाइव अब उसके बाद सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है सेकेंड लेटर एच एच का जो प्लेस वैल्यू है क्या होता है एट मतलब की इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा एट जेड फाइव बहुत ईजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मा इज ब्राइट अब देखिए ए का जेड ले चुके हैं शर्मा में छह टर्म है तो राइट साइड में फाइव हो जाएगा लेफ्ट में क्या आएगा एज का प्लेस वैल्यू इज इज एक्चुअली आई आई एस है चलिए इज के लिए क्या है एस एस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना हो जाएगा एच क्योंकि यहाँ उन्नीस है तो आठ आना चाहिए आठ किसका है एच का अब इज में कितने लेटर्स है थ्री तो थ्री के लिए क्या हो जाएगा राइट साइड में थ्री माइनस वन टू सेकेंड लेटर क्या है यहां पे आई है आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है नाइन सिमिलरली ब्राइट टी का कितना होता है ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए ट्वेंटी सेवन आना चाहिए तो तो आएगा साथ किसका है है जी का चलिए ब्राइट में कितने लेटर्स सिक्स so, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए क्या करना है सेकेंड लेटर्स को लेना है सेकेंड लेटर आर है आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है एटीन मतलब कि शर्मा इज ब्राइट का आपको जो है कोड कितना आएगा कोड आएगा आपको एट जेड फाइव नाइन एच टू एटीन जी फाइव चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैरिज लाइट अब देखिए ई e, e का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना होगा वी टी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना होगा जी तो वी जी अब लेफ्ट और राइट वाला राइट साइड के नंबर कितने होते हैं नंबर ऑफ लेटर्स माइनस वन टू टू फोर टू सिक्स एट एट माइनस वन सेवन इसमें कितना है थ्री टू फाइव फाइव माइनस वन फोर अब लेफ्ट साइड के लिए ए का प्लेस वैल्यू वन आई का प्लेस वैल्यू नाइन मतलब कि मैरिज लाइट का जो कोड होगा वो आपको कितना आ जाएगा 1V7, 9G, 4. तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है ड्रिंक जूस अब देखिए के का प्लेस वैल्यू इलेवन के लिए क्या सिक्सटीन लेना पड़ेगा सिक्सटीन का क्या होगा P E का पांच तो यहाँ क्या होगा V अब देखिए तो मतलब कि P और V आ गया राइट right साइड में क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन फाइव माइनस वन फोर जूस के लिए भी फाइव लेटर्स है तो फोर हो जाएगा अब देखिए ड्रिंक में R क्या है सेकेंड लेटर्स R का कितना होता है रेस्पेक्टिव वैल्यू 18 यहाँ U है U का क्या होता है 21 मतलब कि ड्रिंक जूस का जो कोड होगा वो हो क्या आएगा एटीन पी फोर ट्वेंटी वन वी फोर तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था तो आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ होते हैं इसको क्रैक करना जो नॉर्मल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में करते थे कि सेंटेंस एक साइड दिया गया है कोड एक साइड दिया गया और वैसे वैसे चार पांच सेंटेंस दिए रहते वो बहुत ही इजी मतलब उसे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है बहुत ईजी टाइप रहता था बट इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना यहां ज्यादा जरूरी है तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं बट इस तरह के वीडियो के लिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने खुद से बनाने की कोशिश की है और खुद से बनाया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं आप आपसे जैसे पहले आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बट हार्डली उस वीडियो में जो है चार या पांच लाइक मिले प्लीज लाइक करने में जरा सा भी कोताही ना बरते क्योंकि तो मैं आपके लिए इतना रिसर्च कर रहा हूं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप कम से कम लाइक करने में कितना देर लगता है लाइक करने में आपको एक सेकेंड केवल लगेगा प्लीज लाइक कर दीजिए वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है पसंद आया तो लाइक कीजिए नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है लाइक करना बट जिन लोगों को पसंद आया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दे ऐसे स्किप ना करें कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि क्या आपका सुझाव है या कुछ जो भी आपको कमेंट करना है आप यहाँ पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं ताकि हमको भी पता चले कि मैं किस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच ला रहा हूं तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करें ऐसे ना करें कि चलो अपना काम तो बन रहा है अपन क्या कर रहे हैं जो भी वीडियो आ रहा है उसको देख रहे हैं ऐसा ना करें प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं बट यदि आपको कोई और रिक्वेस्ट हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का यदि आपका मन हो कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए तो उसके लिए आप इधर कमेंट बॉक्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू आप डिमांड कर सकते हैं या फेसबुक ग्रुप है फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप उसका डिमांड कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप का नाम है आई डॉट जी वैसे मैं आपके सुविधा के लिए फेसबुक का फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मे बी इसी का थर्ड पार्ट के साथ तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए और मस्त रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय